गुड इवनिंग क्लास। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका गूगल केमिस्ट्री क्लास में। तो जैसा कि हम लोग सिंटैक्स ऑफ नाउन पढ़ रहे थे, उसमें से कुछ रूल्स को हम लोग भी डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी के आगे टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अगला रूल्स क्या है, क्या कहता है। तो आप समझिएगा, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी एंडिंग यस से होती है, यानी कि एंड्स विद यस। दिखने में प्लूरल होंगे, दिखने में वो प्लूरल होंगे, लेकिन होते हैं वो सिंगुलर। फिर समझिएगा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी एंडिंग यस से होती है, यानी कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी नाउन की एंडिंग यस से हो रही है तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये होते क्या है, सिंगुलर, और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से नाउन हैं। सबसे पहले जैसे हमारे कुछ बीमारियों के नाम हो गए, खेलों के नाम हो गए, पुस्तकों के नाम हो गए, देशों के नाम हो गए, समाचार पत्रों के नाम हो गए, ये सारी चीज़ें। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो रूल नंबर, सिंटैक्स ऑफ नाउन हम पढ़ रहे हैं, सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ नाउन क्या कहता है भाई। अगला रूल, जैसा कि रूल नंबर थर्ड था शायद, रूल नंबर थर्ड कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी एंडिंग यस से होती है, यस से होती है, मतलब दिखने में प्लूरल होंगे। दिखने में कैसे होंगे भाई, दिखने में प्लूरल होंगे, बट यूज में ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर, और इनके साथ वर्ब, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अभी कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। तो जैसे कि कुछ पुस्तकों के नाम हैं, पहला पॉइंट, जैसे कुछ पुस्तकों के नाम कौन कौन है भाई। पुस्तकें जैसे आपकी है द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स है, आपकी द राइवल्स, द राइवल्स, और आपकी एक किताब है भाई द लायंस ऑफ द ईस्ट, द लायंस ऑफ द ईस्ट। ये देखिएगा कि मैंने आपको बताया अरेबियन नाइट्स मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में क्या होता है भाई, प्लूरल, यानी कि एंडिंग किससे होगी, यस से। जैसे अरेबियन नाइट्स में यस लगा हुआ लास्ट में, राइवल्स में यस लगा हुआ, द लायंस ऑफ द ईस्ट में लायन में क्या लगा है भाई, यस लगा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते और क्या है भाई। दूसरा पॉइंट, जैसे बीमारियों के नाम भाई,
बीमारी कौन कौन, जैसे आपकी हो गई मम्स, रिकेट्स, डायबिटीज, मिसल्स, मिसल्स, जर्मन मिसल्स, ये सारी चीज ETC। तो मम्स, रिकेट्स, डायबिटीज, मिसल्स, जर्मन मिसल्स, ETC। तीसरा पॉइंट, जैसे कुछ खेल है भाई, खेलों के नाम, खेल कौन कौन से, बिलियार्ड्स, बिलियार्ड्स हो गया, ड्राट्स हो गया, ETC। और समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्र हो गए, समाचार पत्र कौन कौन से आए देखते हैं भाई, समाचार पत्र जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और क्या हो गया भाई आपका, पुस्तकों, विषयों के नाम, विषय जैसे आपके हो गए भाई कौन कौन से, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, सॉरी पूरी तरह से क्लीन हो गया भाई, एक मिनट फिर से देखते हैं। हमने कहा था, बैक थोड़ा सा प्रीवियस पेज पे जाते हैं, पुस्तकों के नाम, विषय हम चर्चा कर रहे थे भाई, विषय पे, विषय में पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, ETC। इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट हमारा खेल, खेल में मैंने कहा बिलियार्ड्स, बाउल्स, ड्रॉट्स, ETC। चौथा पॉइंट है आपका पुस्तकें, समाचार पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र में जैसे आपके द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, देशों के नाम, देशों के नाम में ये कौन कौन से होंगे भाई, जैसे द एथेंस, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस,
द यूनाइटेड नेशंस नेशंस ठीक है ETC। तो खेल विषय समाचार पत्र देश पुस्तक बीमारी एक और देख लेते बीमारी बीमारियों के नाम भाई बीमारियां कौन कौन सी हैं जैसे मिसल्स मिसल्स रिकेट्स एड्स और मिसल्स रिकेट एड्स एक मिनट डायबिटीज मम्स ETC। ये ऐसे नाउन्स हैं भाई जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं जिनका प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं। मैंने बताया कि ये दिखते हैं प्लूरल की तरह यानी कि एंड्स विद यस होते हैं बट यूज में क्या होते हैं भाई सिंगुलर होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे सब में आप देख जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं जितने भी नाउन्स दिख रहे हैं सबके अंत में क्या दिख रहा है आपको एस दिख रहा है ये है। तो आगे बढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं भाई एग्जाम्पल्स कैसे किया जाएगा कुछ एग्जाम्पल्स देख लिया जाए। एग्जाम्पल्स जैसा कि पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं द अरेबियन नाइट्स वर अ गुड बुक द अरेबियन नाइट्स वर अ गुड बुक। तो जैसा कि लिखा है द अरेबियन नाइट्स अगर आपको नहीं मालूम होगा ये पुस्तक है तब आप क्या करेंगे इसे आप इस एग्जाम्पल को सही मानेंगे लेकिन हकीकत में क्या है भाई ये एक बुक है और आपने पढ़ा है नियम नाउन्स के नियम के अकॉर्डिंग कि कुछ ऐसी पुस्तकें होती हैं जिनके अंत में यस होता है उन्हें हम क्या करते हैं सिंगुलर मानते हैं। तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग ना होकर के क्या होगा भाई वाज हो जाएगा ठीक तो वाज ठीक इसी प्रकार से जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल मिसल्स या फिर हम बोल सकते हैं भाई रिकेट्स कुछ भी हम कोई भी एग्जाम्पल लिख लें रिकेट्स आर वेरी वेरी डेंजरस वेरी डेंजरस रिकेट्स आर वेरी डेंजरस। तो रिकेट्स क्या है भाई एक बीमारी है क्या है बीमारी है। तो ये क्या करेंगे भाई इसके साथ हम आर का प्रयोग ना करके क्या करेंगे इज का प्रयोग करेंगे तो रिकेट्स इज वेरी डेंजरस रिकेट्स इज वेरी डेंजरस होना चाहिए। तो ये आपका रूल नंबर थर्ड था किसका सिंटैक्स ऑफ नाउन का। आगे देखते हैं भाई अगला रूल्स क्या कहता है आइए देखते हैं। तो रूल नंबर थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ सॉरी रोल नंबर फोर। रोल नंबर फोर क्या कहता है भाई देख लेते हैं रोल नंबर फोर क्या कहता है रोल नंबर फोर कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी एंडिंग यस से तो होती है और उनका प्रयोग किस में होता है भाई जिनकी एंडिंग यस से होती है लेकिन उनका प्रयोग भाई
सॉरी, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो पेयर में यूज किए जाते हैं। किस में होते हैं भाई? पेयर में यूज किए जाते हैं, और उनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि उन्हें हम सिंगुलर मानते हैं। ये है आपका रूल। ठीक, आइए देखते हैं रूल्स कौन कौन से हैं। देखते हैं भाई, कह रहे हैं कि कुछ नाउन्स पेयर वर्ड में यूज होते हैं। किस में होते हैं भाई? पेयर वर्ड्स में यूज होते हैं, पेयर वर्ड्स में यूज होते हैं, और इन्हें क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर। ठीक, और इनके साथ है, इन्हें सिंगुलर माना जाता है, माना जाता है, और इनके साथ और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब ये कौन कौन से नाउन है भाई? मैंने कहा कुछ नाउन पेयर वर्ड्स में यूज होते हैं और इन्हें सिंगुलर माना जाता है, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। रीज़न क्या है भाई? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये सिंगुलर वस्तु या सिंगुलर सेंस को शो करते हैं, सिंगुलर वस्तु या सिंगुलर सेंस को शो करते हैं, यानी कि सिंगुलर वस्तु और सिंगुलर भाव को ये शो करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से वो नाउन हैं, आइए देख लेते हैं। तो जैसे वो नाउन्स हैं कौन कौन भाई? उन्होंने आपके जैसे राइस एंड करी हो गया, राइस एंड करी हो गया, हैमर एंड सिकल हो गया, हैमर एंड सिकल हो गया, राइज एंड फॉल हो गया, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग हो गया, क्राउन एंड ग्लोरी हो गया, हॉर्स एंड कैरिएज हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया। ये एटीसी, ऐसे नाउन्स है भाई, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग पेयर के रूप में किया जाता है, पेयर वर्ड्स के रूप में किया जाता है, और इनके साथ ये क्या करते हैं? सिंगुलर वस्तु को शो करते हैं, फिर सिंगुलर सेंस को शो करते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं भाई। अब देखिए एक बार राइज एंड करी हो गया, हैमर एंड सिकल, राइज एंड फॉल, कम एंड गोइंग, क्राउन एंड ग्लोरी, हार्स एंड कैरियज, ब्रेड एंड बटर, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हो गया, बैग एंड बैगेज हो गया, तो बहुत सारे नाउन हैं तो जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं भाई? पेयर वर्ड्स के रूप में करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स देख लिया जाता है इनसे रिलेटेड। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है भाई देखते हैं। मैंने लिखा राइस एंड करी वाज या वर माई फेवरेट
लंच इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड। राइस एंड करी वाज एवर माई फेवरेट लंच इन माई चाइल्डहुड। तो देखिएगा यहाँ पे राइस एंड करी का प्रयोग हुआ है, जिसका प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट रूप में हो रहा है। और ये जो राइस एंड करी शब्द है, ये अलग अलग चीज़ों को न दर्शा करके भाई एक ही वस्तु को दर्शा रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब कैसी आनी चाहिए बताइएगा भाई आप लोग। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए भाई, सिंगुलर आना चाहिए, प्लूरल का प्रयोग नहीं। जैसे है आपका क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी, ताज और खुशियाँ जिसका मतलब होता है, ताज और खुशियाँ जिसका मतलब होता है, ये भी क्या है भाई, सिंगुलर सेंस को शो करता है। फिर जैसे हमारा है हॉर्स एंड कैरियज, घोड़ा गाड़ी, क्या भाई, घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी भी क्या शो कर रहा है भाई, ये भी हमारा सिंगुलर सेंस। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, हॉर्स एंड कैरियज, हॉर्स एंड कैरियज इज इज या आर नॉट सीन ऑन द रोड, ऑन द रोड नाउ अ डेज। करे हॉर्स एंड कैरिजेज आर नॉट सीन ऑन द रोड नाउ अ डेज, करे आजकल घोड़ा गाड़ी सड़कों पर नहीं देखी जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं हॉर्स एंड कैरिज क्या है भाई, एक ही वस्तु को शो कर रहा है, एक ही वस्तु को शो कर रहा है, यानी कि दो चीज़ें हॉर्स और कैरिज मिलकर के भाई क्या एक वस्तु को ये बना रहे हैं, एक वस्तु को ये शो कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का या प्लूरल वर्ब का बताइएगा जरा। तो हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे भाई, सिंगुलर वर्ब का मीन्स इज का प्रयोग करेंगे, ना कि आर का प्रयोग करेंगे। तो ये है आपका। तो इसमें आपने क्या सीखा, इस रूल्स में आपने ये सीखा कि कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनका प्रयोग भाई पेयर के रूप में, तो किस में होता है, पेयर के रूप में होता है, और इन्हें सिंगुलर माना जाए, यानी कि ये सिंगुलर सेंस देते हैं, सिंगुलर वस्तु को शो करते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे नोट करिएगा ज़रा, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आइए देखते हैं अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल क्या कहता है भाई, रूल नंबर फिफ्थ क्या कहता है, आइए समझते हैं। पहले कह रहे कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं भाई, दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स दो होंगे लेकिन वस्तु कितनी होगी भाई, एक ही होगी, फिर भी वो प्लूरल में प्रयोग होते हैं, किसमें होते हैं भाई, प्लूरल, यानी कि इनके साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से आए देख लेते हैं जरा। तो जैसे कि है आपका सीजर्स, सीजर्स टंग्स, सीजर्स सराता या कैची, टंग्स चिमटा। और जैसे कि आपका एक है स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स ग्लासेस, क्या भैया, ग्लासेस। और है आपके सीजर्स टंग्स स्पेक्टिकल्स ग्लासेस ट्राउजर्स, ट्राउजर्स पैजामास, पैजामास पैंट्स, ये ATC, ये।
तो कह रहा है कि ये जो नाउंस है आपके सामने जो दिख रहे हैं आपको, सीजर्स है, टंग्स है, स्पेक्टिकल्स है, सीजर्स का मतलब सर होता है टंग्स, चिमटा, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स, पैजामास, पैंट्स, ये सारे आप जानते हैं सब के क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, लेकिन वस्तु कितनी होती है? एक होती है। वस्तु भले एक हो लेकिन इनके दो पार्ट्स होने की वजह से भाई हम क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर इन्हीं के पहले नोट थोड़ा सा, अगर इनके पहले आ पेयर ऑफ लगा रहे, क्या लगा रहा है भाई? आ पेयर ऑफ, आ पेयर ऑफ लगा रहे, क्या लगा रहे? आ पेयर ऑफ प्लस ये नाउंस, ठीक ना, ये जितने भी नाउंस हैं, तब ये क्या होगा भाई? तब इनके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये भी ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पहली बात तो सीजर्स, टंग्स, स्पेक्टिकल्स, ठीक, इफ यहाँ पे लिखते हैं इफ, कह रहे यदि इनके बाद सीजर्स टंग्स जो दिए हैं इनके पहले अ पेयर ऑफ का प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ भाई? अ पेयर ऑफ का प्रयोग हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, इनके साथ हम सिंगल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। ये नोट पॉइंट ये है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स पहला एग्जाम्पल्स है माई पैंट्स वाज डर्टी, माई पैंट्स वाज डर्टी। तो क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है भाई? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पैंट्स जो कि प्लूरल नाउन को शो करता है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा भाई? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो वाज का प्रयोग ना होकर क्या होगा भाई? वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन आप देखिएगा इसी के साथ अगर हम कहें अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ माय पैंट्स, अ पेयर ऑफ माय पैंट्स, अब हम यहाँ पे वर लगा दे भाई, क्या लगा दे? वर लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? क्योंकि अब पैंट्स के पहले भाई अ पेयर ऑफ लग चुके, क्या लग चुका? अ पेयर ऑफ। इस वजह से ये क्या हो गया? सिंगुलर। और इसके साथ भाई क्या वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या होना चाहिए? वर। क्या होना चाहिए भाई? वर, सॉरी, वाज का प्रयोग होना चाहिए। किसका होना चाहिए? वाज का प्रयोग होना चाहिए। ये ठीक, ये इसी तरह से सारे नाउंस है। स्पेक्टिकल्स, अगर मैं कहूँ कि स्पेक्टिकल्स आर स्टोलन या फिर स्पेक्टिकल्स इज स्टोलन, तो क्या होगा भाई? तो होगा क्या? स्पेक्टिकल्स आर स्टोलन, क्या होना चाहिए? स्पेक्टिकल्स आर स्टोलन होना चाहिए। तो ये आपका रोल नंबर फिफ्थ है, आप इसे नोट करिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं सिंटैक्स ऑफ नाउन के रोल नंबर सिक्स की ओर। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग नोट कर चुके होंगे। आइए देखते हैं आगे अगला जो रूल्स है क्या कहता है। आइए देखते हैं रूल नंबर सिक्स देखते हैं क्या कहता है भाई। रूल नंबर सिक्स कहता है भाई कि कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। ये फिर कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इनका प्रयोग हमेशा किस में होता है? सिंगुलर में होता है। किस में होता है? सिंगुलर में होता है। और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इनमें हम यस और यस भी नहीं लगाते हैं।
प्लूरल बनाने के लिए। आइए समझते पहले वो नाउन कौन कौन से। भाई कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ नाउन्स, कुछ नाउन्स, ठीक, कौन कौन से, जैसे हो गया आपका स्टोन, ब्रिक, वुड, ग्लास, ठीक, एंगर, सिंपैथी, सिंपैथी, ये ईटीसी। तो ये जो नाउन्स है भाई, कुछ नाउन्स, स्टोन, ब्रिक्स, वुड्स, ग्लास, एंगर, सिंपैथी, इनका प्रयोग हमेशा किस में होता है भाई? इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। किस में होता है? सिंगुलर में होता है, हमेशा सिंगुलर में होता है। सॉरी थोड़ा सा सिंगुलर में होता है। इनके साथ क्या करेंगे भाई? इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, का यूज करते हैं। ये हो गया आपका, ठीक, इतना इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक चीज नोट, पॉइंट नोट क्या है भाई? नोट क्या है? इनके बाद भाई यस और ईएस का प्रयोग नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। इनके बाद क्या करेंगे? यस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे ये। तो जैसे मैंने कहा, एग्जांपल अगर एक मैं ले लूं, एग्जांपल पहला एग्जांपल, हिज हाउस वाज, हिज हाउस वाज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, हिज हाउस वाज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। क्या सेंटेंस सही है? क्या सेंटेंस सही है आप बताइएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिक और स्टोन में कभी यस नहीं लगता है, कभी यस नहीं लगता है। वो क्या होता है? ब्रिक एंड स्टोन होता है। क्या होता है? ब्रिक एंड स्टोन होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे भाई? इनके साथ यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब सेंटेंस हमारा सही हो गया, हिज हाउस वाज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड ब्रिक एंड स्टोन्स होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से स्टोन वुड भी है, ग्लास, एंगर, सिंपैथी, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। भली बात ये आपको समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर रहे होंगे। तो आइए बढ़ते आगे। रूल नंबर अगला क्या कहता है भाई? सेवेंथ क्या कहता है? आइए देख लेते हैं। रूल नंबर सेवन क्या कहता है भाई? समझते हैं रूल नंबर सेवन क्या कहता है। आइए समझते हैं भाई। रूल नंबर सेवन कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके दो प्लूरल फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं भाई? दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, और दो प्लूरल फॉर्म होने की वजह से उनका जो सेंस है वो क्या होता है भाई? चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आपका एक है भाई ब्रदर, क्या है? ब्रदर। तो ब्रदर के भाई दो प्लूरल फॉर्म होते हैं। एक होता है ब्रदर्स और एक होता है ब्रदरेन। क्या होता है? ब्रदरेन। क्या होता है? ब्रदरेन, ठीक। अब ब्रदर का क्या मतलब होता है, ब्रदरेन का क्या मतलब होता है भाई? ब्रदर का क्या मतलब होता है ब्रदरेन का? ब्रदर का मतलब होता है भैया सन ऑफ
सन ऑफ सेम पेरेंट्स, सन ऑफ सेम पेरेंट्स, सन ऑफ सेम पेरेंट्स यानी एक ही माता पिता के पुत्र, और ब्रदर इन का मतलब मेंबर ऑफ सोसाइटी भी है, मेंबर ऑफ सोसाइटी, मेंबर ऑफ सोसाइटी या फैमिली हम बोल सकते हैं, कुछ भी मेंबर ऑफ फैमिली है सोसाइटी। जैसे दो सगे भाई हों तो हम आप क्या किसका प्रयोग करेंगे, ब्रदर्स का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ब्रदर्स का प्रयोग करेंगे। और यदि वहीं पे चाचा का लड़का हो गया, बड़े पिताजी का या फिर किसी का लड़का हो गया, ठीक, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक ही माता पिता की संतान ना हो करके भाई किसी और की संतान हो, और क्या कहते हैं वो रिश्ते में क्या लग रहा हो, भाई लग रहा हो, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, ब्रदरिन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई, ब्रदरिन का। इसी प्रकार से एक शब्द है भाई क्लॉथ, क्या है, क्लॉथ है, ठीक, तो क्लॉथ, तो क्लॉथ के भी हम क्या करते हैं भाई, दो प्लूरल होते हैं, एक क्लॉथ्स होता है और एक क्लॉथेज होता है, ठीक। तो क्लॉथेज का मतलब होता है भैया पोशाक, क्या होता है, पोशाक, पहनावा, ठीक ना, और क्लॉथ्स का मतलब होता है भैया डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, ठीक ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, ठीक। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इस रिलेटेड, एग्जांपल, एग्जांपल क्या कहता है देखते हैं। जिसे ब्रदर हमने कहा आई सा मेनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लॉथेज इन द शॉप, इन द शॉप, क्या सेंटेंस है कि गलत है बताइएगा। आई सॉ मेनी ब्यूटीफुल क्लॉथेज इन द शॉप, जाहिर सी बात है सेंटेंस गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी दुकान में अलग अलग तरह के भाई कपड़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्लॉथेज का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे भाई, क्लॉथ्स का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यस लगाएंगे क्लॉथ्स, ठीक। आई सॉ मेनी ब्यूटीफुल क्लॉथ्स इन द शॉप। अगर मैं एक एग्जांपल यहां पे और लिखूं, वी वेयर वूलन, वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन समर, ओ सॉरी इन समर नहीं, इन विंटर, इन विंटर, ठीक ना। तो यहाँ पे आप मुझे बताइएगा क्या सेंटेंस है कि गलत है बताइएगा। तो वी वियर वुलन क्लॉथ्स ना होकर के भाई क्या होगा, क्लॉथेज होगा, क्या होगा भाई, क्लॉथेज होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, क्लॉथेज करेंगे ना कि क्लॉथ्स। अब यहाँ पे क्लॉथ जो है वो क्या शो कर रहा है, पोशाक को शो कर रहा है, ना कि अलग अलग तरह के कपड़ों को शो कर रहा है। ये आपका सिंटैक्स ऑफ नाउन था। तो आज की क्लास को हम यहीं पे करेंगे, यहीं पे देंगे भाई विराम। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा हर एक चीज़। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी रूल्स नाउन का आपको ना समझ में आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई, ठीक, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।